ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वप्रचोदयात्। माय हम्बल सैल्यूटेशन एट द लोटस फीट ऑफ भगवान बाबा, लविंग साई राम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रणाम टू माय एल्डर्स, साई राम टू ऑल ऑफ यू। 1998 की बात है जब भगवान बाबा के साथ मेरा संपर्क जुड़ा। उसी दिन के पल से आज तक भगवान बाबा के साथ जो रिलेशन है, भगवान बाबा ने जो जो चीज़ें दिए हैं वो कहना मुश्किल है। वो फील करना, एक्सपीरियंस, उसको शेयर, उसको बोलना मुश्किल है, क्योंकि जो मिरेकल होता है स्वामी जो जिसको देते हैं वही ही इसको फील कर सकते हैं, और इसको बोलना, एक्सप्रेस करना इट्स सो डिफिकल्ट। बाबा का दर्शन एक छोटा सा गांव में शिवलिंग के अंदर मंदिर में, शिव जी के मंदिर में भगवान बाबा का असीम कृपा था। जो पहला झलक मुझे मिला था उसी दिन से मैं जानता हूँ कि बाबा हमें, वी आर द सिलेक्टेड वन, जो बाबा हमने चूज किए हैं, अपने सिलेक्ट किए हैं, उनका डांस में जुड़ना है और कुछ काम करना है। मैं आई एम वेरी प्राउड दैट मैं कुछ मेरा टाइम निकाल के मैं लोगों के साथ मिल सकता हूँ, टाइम निकाल के अगेंस्ट में कुछ टाइम दे सकता हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। ये बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलता है जहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म भगवान बाबा ने हमें दिए हैं एज ऑर्गेनाइजेशन। सो सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, जो सेवा का वार्ड लगा, मेरे को सेवा करने का एक बहुत लगन है। मैं कहीं पे सेवा टीम ने कोई भी मेरे बुलाए, आई कैन नॉट नेवर डिनाय कि मैं अभी कर नहीं सकता, तो बहुत कुछ भी हो जाए सेवा करना एक इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, टाइम मेरे पास है तो। तो स्वामी भगवान बाबा ने जो जो चीज़ें हमें बोले हैं उसी राह पे चलना और नए यंगस्टर्स को वेलकम करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं छोटा सा बताऊंगा, क्योंकि एक फीलिंग आई थी मेरे अंदर जब स्टार्टिंग में दिल्ली में आया था कि उतना मैं लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया था। आज मैं फील कर रहा हूँ क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि एक जो वेलकम होता है न्यू जनरेशन, कोई न्यू डिवोटी आता है हमारा भजन मंडल में या कहीं पे, या हम किसी गांव में जाके सेवा करते हैं तो उनके साथ हम सर्विस एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। उनके इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत उसी टाइम तक रहता है, बट नेक्स्ट व्हाट द नेक्स्ट हम उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। स्वामी के साथ कनेक्टिविटी हमारा कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम जब न्यू डिवोटी के साथ जुड़ते रहेंगे, उनके उनको फ़ोन करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तो अपने आप वो फीलिंग धीरे 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 स्वामी की तरफ मूवमेंट होता है। तो भगवान बाबा ने बोला है कि ग्राम सेवा इज राम सेवा, ग्राम में जाओ सेवा करो। हमारा रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज बहुत है जिसमें जाकर हम कुछ कर सकते हैं। हमारे पास जो स्किल्स है, हमारे पास दिल्ली में, एनसीआर में इतने यंगस्टर्स है, सबके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है। हम उस स्किल्स को शेयर करें, अपना टैलेंट को शेयर करें, अपनी नॉलेज को शेयर करें, तो आप हमारा जो यंगस्टर्स है उसकी जो नेटवर्क है, उसकी जो वॉल्यूम है, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। स्वामी का मैसेज को शेयर करना एक अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमें ये एक्टिविटी में जुड़ना, साधना, अपना सेल्फ साधना करना, मोटिवेट होना, सेवा करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक वो लगे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रशांति सेवा, उसके साथ साथ कहीं पे भी सेवा हो हमें पूरे लगन के साथ करना है, पूरे जोश के साथ करना है।
सब यूथ जनरेशन को मेरा आग्रह है, आगे आइए, हम अपने स्किल्स को शेयर करेंगे, हम अपने टैलेंट को शेयर करेंगे, एक से एक जुड़ेंगे, न्यू जनरेशन जो भी है उनके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, गांव में जाके अपना रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे, ये सब करके एक साई फोर्स क्रिएट करनी है दिल्ली एनसीआर में, ये मेरा आग्रह है। जय साईं राम, लविंग साईं राम टू ऑल ऑफ यू।